हेलो एवरीवन, एज ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइजेस एंड आल्सो वी वुड बी अटेम्प्टिंग अ क्विज। फिलहाल गूगल फॉर्म का जो क्विज हर चैप्टर के बाद आप लोग सॉल्व करते आए हैं एज ए यूनिट टेस्ट, टुडे इट इज नॉट प्रिपेयर्ड एक्चुअली एनी हाउ। अनफॉर्चुनेटली इट हैज बीन नॉट प्रिपेयर्ड। एक दो घंटे समय लगेंगे आपके गूगल क्लासरूम में, शाम तक या लेट इवनिंग तक आपके गूगल क्लासरूम में उसको अपडेट कर दिए जाएंगे। देयर आफ्टर यू ऑल नीड टू स्टडी। सबसे पहले आप लोग ईमानदारी से फिलहाल अपना कुछ अटेम्प्ट करिएगा, फिर देखते हैं हाउ मेनी मार्क्स यू आर गोइंग टू सिक्योर। देयर आफ्टर एक बार आपको जो भी मार्क्स मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप भी देखिएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। देयर आफ्टर यू नीड टू स्टडी योर बुक्स। आपको फिर वो 20 के 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, व्हाट एवर द क्वेश्चन इज देयर, वो आप अपनी बुक से खोज करके, समझ करके, पढ़ करके 20 में 20 लाने का प्रयास करिएगा। दैट मीन्स कि जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, जो डाउट हो, आप उसको बुक में खोज लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर उस क्वेश्चन का ऑप्शन आप चूज करिए। सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप उसका सही आंसर खोज लीजिए। अगर आता है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सही आंसर आप खोज लें, फिर उसके बाद उसका आंसर चूज करिए। तो इस तरीके से अगर करना पड़े तो कि आप लोग 20 में 20 ला सकते हैं। आपको बुक दे दिया गया, मतलब दे दिया गया और इसी बोल दिया बुक से आप उसकी हेल्प ले सकते हो, आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। आउट ऑफ 20 मतलब 90 या 20 मार्क्स, 20 में 20 आप लोग सकते हैं। क्या होता है जिसको बुक के लिए 20 में दिया, आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा? 20 में 20 हाउ मेनी कैन सी क्यू कौन आप बता सकते हैं क्या? अभिषेक आप आकृति, अगर आपको किया जाए और ओपिच इसको कितने क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या सारे क्वेश्चन का सही आंसर हो सकते हो? ग्राफ दिया गया है तो क्या 20 में 20 आ जाएंगे? आप बताइए 20 में 20 आ जाएंगे? बाकी बेटा आप बताइए, आपको भी सब कुछ समझ में आ गया है? फिलहाल पहली बार आप लोग देखिएगा बिना कुछ के 20 में 20 आ जाए, फिर से आपको रिवीजन का एक तरीके से आपको कुछ अभी तक पढ़ाया है वो एक बार फिर रिपीट करते हैं। फिर आज का जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले की वर्ड में ऑटो टॉपिक क्या होते हैं पता है? फुल सम ऑटो टॉपिक क्या होता है? ऑटो टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? बेटा अभिषेक एम आई ऑडिबल टू यू? श्रेया यस सर, आवाज बज रही है? आवाज प्रॉपर जा रही है ना? यस सर, आने लगी। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है जरा बताइए? दैट हु मेड द फूड फॉर हिमसेल्फ दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। चलिए ठीक है। फिलहाल इंसेक्टो वायरस क्या होते हैं ये कौन बताएगा? मुस्कान आप बताइए, आवाज नहीं आ रही बेटा आपका, आवाज नहीं आ रही मुस्कान। हाँ बेटा बोलिए। रत्नेश आप ही बताइए, रत्नेश यहाँ पे भी प्रॉपर सिग्नल नहीं है आज। हाँ बेटा मुस्कान बताइए। नहीं बेटा आपका माइक माइक सही से कनेक्ट नहीं हुआ है।
अभी भी आपका माइक नहीं कनेक्ट हुआ है। अलका बेटा आप बताइए क्या होता है इंसेक्टो वायरस? थोड़ा तेज बोलिएगा जिससे आवाज आए। बोलिए, नहीं आ रही आवाज, आवाज ही नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रहा है, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। कितनी बार बोला गया कि आप लोग इस तरह की चीजें, आज दो चैप्टर आपके ज्योग्राफी के कंप्लीट हो गए, आज फर्स्ट अभी आप लोगों को बोलने का ढंग नहीं है, किस तरीके से लाइव क्लासरूम में कैसे आवाज आती है, कितना तेज बोलना है, माइक आपको कैसे यूज करना है, फिर से बोलिए। हल्का आपसे पूछा जा रहा है इंसेक्टो वायरस क्या है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा अभिषेक, आवाज फंस रही है? इंसेक्टो वायरस कब बोल रहे? क्या हुआ अभिषेक, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? मुस्कान या अलका बोलिए, दोनों लोग बोलिए। द प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट टू फुलफिल देयर न्यूट्रिएंट्स, दैट प्लांट इज कॉल्ड इंसेक्टिवायरस प्लांट। चलो वेल डन। फोटोसिंथेसिस क्या है ये कौन बताएगा? महिमा बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी, आप बताइए आकृति। बेटा आप लोग ईयरफोन लेके बैठा करें, अगर ऐसे नहीं आवाज आती तो ईयरफोन भी अब आप लोग ले लीजिए, मैंडेटरी कर दिया जाएगा। अगर प्रॉपर आप लोग की आवाज नहीं आ रही है तो ईयरफोन ही लेके बैठे। आकृति आप बताइए। फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्रीन प्लांट एंड फूड मुझे हिंदी में भी समझा दीजिए तो भी चलेगा, मुझे समझाइए फोटोसिंथेसिस है क्या। अगर आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे तो हिंदी में ही बताइए फोटोसिंथेसिस क्या है। बोलिए आकृति, बहुत ज्यादा समय नहीं है, वी आर रनिंग बिहाइंड द टाइम ऑन, वी हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज चार दिन लगाने वाली चीजें नहीं है। फोटोसिंथेसिस बता सकती हैं या नहीं, क्या है? नो सर, नहीं बता पाओगी। अलका आप बताइए। अलका आप बताइए कि आप भी नहीं बता पाएंगी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप या तो फर्जी में मुंह मोड़ ला रही हो या तो आप माइक लेकर के बैठ के रही हो। हल्का का आवाज नहीं आ रहा है और ये तो एक अच्छा बहाना है, अगर आवाज नहीं है तो आप मतलब क्लास कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? आप जाइए फिर बैठिए, रिकॉर्डिंग बाद में देखिएगा। कुछ डिस्कशन का मतलब क्या, इफ यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट गेटिंग योर वॉइस, इतना कहने के बावजूद भी आपकी आवाज आप तेज नहीं बोल पा रही है या माइक नहीं यूज कर पा रही है, so within 5 minutes whatever the problem you are having with your phone resolve this, otherwise I will be removing you in this discussion। आप केवल पढ़ना, अगर चैप्टर ही पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लाइव क्लास को फर्जी में अगर आप लोग टाइम पास समझ करके केवल आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन करिए, लेकिन फिलहाल ये कुछ डिस्कशन में समय नहीं खराब किया जाएगा। आप बताइए, नहीं फोटोसिंथेसिस आप बताइए। आप बताइए ठीक है, जब मिला के द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। श्रेया शायद बता रही थी, बहुत ज्यादा आवाज क्लियर नहीं क्लियर हुआ। हल्का आपको मेरी आवाज आप तक जा रही है कि नहीं? यहाँ या ना बोलिए, तेजी से बोलिए जो सुनाई पड़े, फिर से बोलिए, नहीं आया आवाज बेटा। हल्का की आवाज कौन, अभिषेक आप तक सुनाई पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ा है? मुझे मुझे ही नहीं सुनाई पड़ रहा है। क्लोरोफिल क्या होता है ये कौन बताएगा? क्लोरोफिल क्या होता है अभिषेक या मुस्कान, आप दोनों में से बताइए।
हाँ बताइए, आप ही बताइए। ग्रीन पिगमेंट दैट वी फाउंड इन द ग्रीन प्लांट दे आर कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या होता है फिर से बताइए, फिर से बताइए। द ग्रीन पिगमेंट दैट वी फाउंड इन द ग्रीन प्लांट इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट होता है एक्चुअल में हर सभी प्लांट्स के, मतलब सभी के ग्रीन प्लांट्स के पत्तियों में एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो कि क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट ये क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिएंट है। क्या है ये, कंपोनेंट ऑफ फूड। ऑलरेडी बता दिया गया सेप्रोट्रॉप्स, कल ही परसों पढ़ाया गया था। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, आकृति बोलिए। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं बोलिए, समय मत खराब करिए। आकृति बोलिए, समय मत खराब करिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ। या तो बोलिए कि सर नहीं आता, तुरंत बोल दीजिए, मैं तुमसे तुरंत दूसरे से पूछ लूंगा। सही है, नहीं आता, नहीं आता। आपको पता था कल मैंने बोला था ये कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करूंगा, आपको पढ़ना नहीं चाहिए था। आपको ये पता था कि डिस्कशन होगा, क्विज डिस्कशन एक्सरसाइज डिस्कस किया जाएगा, क्वेश्चन के आंसर पूछे जाएंगे। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है उत्तर से आप बताइए। हेटरोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रो क्या होता है बेटा, आदर्श आप बताइए। फर्दरमोर आर न्यूट्रिएंट्स दैट टेक इन एंड रियल इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्या आवाज तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाई, वीक नेटवर्क। शायद आप यही कहना चाह रहे हो, सेप्रोट्रॉप इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉप इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी हिंदी एक तरीके से मतलब हिंदी भी होती है। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो प्लांट्स डिकेड या मतलब खराब हुए मृत जीवी या खराब हुए सड़े गले पदार्थों को विलेय के रूप में कन्वर्ट करके या डाइजेशन जूस स्प्राउट करके जो विलेय के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसका सेवन करते हैं। ऐसे प्लांट मतलब दिस काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे इस तरह के न्यूट्रिशन मोड को फॉलो करने वाले प्लांट्स को सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स क्या होता है ना बेटा, आप एक बार कोशिश करिए। फिर से बताइए। ऐसे प्लांट्स जो दूसरे, ऐसे प्लांट्स ही नहीं ऐसे जीव, एक बार महिमा आप बताइए, हिंदी में बताइए क्या कहना चाह रही हैं। जो प्लांट हम लोग देते हैं, नहीं आ रही बेटा। बेटा कल से ईयरफोन लेके बैठिएगा सभी लोग, ठीक है। ईयरफोन इज द मैंडेटरी फॉर एवरीवन। हेटरोट्रॉप्स ऑफ प्लांट, हेटरोट्रॉप्स क्या होता है आकृति आप बताइए। द प्लांट्स लाइक एंड The plants like and animals is called heterotroph. The plant like animal, आप इंग्लिश के बजाय हिंदी में बता दीजिए तो भी सही रहेगा, लेकिन सही बताइए गलत। आपके कहने का मतलब ये होगा प्लांट्स लाइक एनिमल्स आर कॉल्ड द हेटरोट्रॉपिक मोड। प्लांट्स मनुष्य जो एनिमल्स की तरह जो दिखता है वो हेटरोट्रॉपिक मोड अब कहलाता है। हिंदी में बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड सब क्या है, हेटरोट्रॉप्स मीन्स क्या होता है। आकृति बताइए।
हिंदी में नहीं जानती, हिंदी में नहीं जानती, इंग्लिश है। मैं बताओ इंग्लिश में कहाँ कहाँ से पढ़ी हो, जरा किताब देख के बताइए। बुक है आपके पास? नो सर। बुक नहीं है तो बुक आप अरेंज करिए, वहाँ पे हमारी में नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, मिल रहा है तो उसको एनसीईआरटी की किताब खरीदिए, ठीक है? यस सर। ऑटोट्रॉप्स बेटा, श्रेय आप बताइए क्या होता है? सर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है अलका? न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड। हाँ बेटा फिर से बोलिए, आ रही आवाज। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। वेल डन, वेरी गुड। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑब्टेनिंग फूड, और ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। The next is the saprotrophic. Saprotrophic मतलब saprotrophic is the mode of nutrition, और जो saprotrophic mode of nutrition follow करते हैं वो saprotrophs कहलाते हैं। एक है host, एक है parasite. Parasite कौन बताएगा? आप बताइए उत्कर्ष बेटा, आप बताइए तेजी से बेटा, थोड़ा पास में आके बोलो, आवाज स्लो आ रही है। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट टेलिंग द एग्जाम्पल बेटा, आदर्श आप बताइए, ये कोई एक और पर्सन जुड़ा है, उसका नाम नहीं लिख के आ रहा है, और वो 1800 ऐसे करके लिखा है, मैं क्या समझू कौन है? तो उसका वीडियो भी बंद है, फिलहाल मैं वीडियो ऑन करने के लिए बोलता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ बेटा आदर्श आप बताइए। अभिषेक बेटा आप बताइए। The plant which climb on the other plant and take the ready made food of that plant, they are called parasite plants. Stomata क्या होता है? रत्नेश आप बताइए stomata के बारे में। रत्नेश आप सुन पा रहे हैं? माइक तो ऑन करिए। माइक भी बनती है, इनसे पूछने लगने में आप सबको पूछ रहे हैं। आप ही बताइए मुस्कान, स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा के बारे में बताइए। द टिनी पोर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा, थ्रू व्हिच इट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा जिसके यहाँ पे सिग्नल कमजोर हो वो अपना वीडियो स्टॉप कर लेंगे तो आवाज आप तक आराम से आता जाता रहेगा, ठीक है? देखिए तरीका, देखिएगा जो आप स्टॉप करेंगे देन यू विल बी गेटिंग द वॉइस, और मेरी स्क्रीन आपको दिखेगी, बस आपकी वीडियो हम तक नहीं आएगी। चलो ठीक है, लगभग सभी लोगों ने कोशिश किया, जिन लोगों ने बिना पढ़ाई किए बिना तैयारी किए चले आए थे उन लोगों के लिए एक सबक है, इस तरीके से हमारी क्लास में मत आया करिए, और इस तरीके से पढ़ाई भी मत किया करिए, आप हमसे पढ़ना भी छोड़ दीजिए। आपको आए ना आए ये बात अलग है, लेकिन अगर अगर आप पढ़े ही ना तो दैट मीन्स की आप ये गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट यू हैव लर्नड, एक बार हम फिर यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, जिसका यूटिलाइज जिसका उपयोग एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ऊर्जा प्राप्त, ऊर्जा किस लिए? फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, अपनी वृद्धि के लिए, और जो शारीरिक जरूरतें हैं, जो शरीर की जरूरतें हैं
जो मेंटेनेंस है कि जो भी है उसकी पूर्ति के लिए एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी हमें कहां से मिलता है? फूड से। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस दे आर ऑटोट्रॉप्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसिस मतलब बनाना, प्रिपेयर करना। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू ये जिस पद्धति से ये लोग खाना बनाते हैं उस पद्धति को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस तरीके को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दे आर ऑटोट्रॉप्स, ये स्वपोषी होते हैं, ये स्वयं खाना बनाते हैं, अपना स्वपोषण करते हैं, अपने पोषण के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। प्लांट्स लाइक कैस्केटा आर पैरासाइट्स, जैसे कि पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्लाइम करते हैं और उनके द्वारा बनाया हुआ भोजन स्वयं खा जाते हैं, क्योंकि पैरासाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता, तो दैट मीन्स कि दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज द फूड बाय देमसेल्फ, उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं पॉसिबल है। तो कैस्केडा इज द एग्जांपल ऑफ फॉर द पैरासाइट्स, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, वो अपने होस्ट प्लांट से यानी जिसको रहते हैं उन्हीं के उसी प्लांट से ही अपना फूड प्राप्त करते हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स टू सिंथेसाइज द फूड। जो प्लांट्स हैं वो कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, जो ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड है, जो एक तरीके से रॉ मटेरियल होते हैं, इनका यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर मेकिंग द फूड, फॉर सिंथेसाइज द फूड। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। फिर वही सेम बात, जो आपके कॉम्पोनेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ये चारों चीजें आवश्यक है फॉर द फोटोसिंथेसिस। इतना समझ में आया बेटा यहाँ तक? कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो सामान्यतः जो एज ए मतलब कार्बोहाइड्रेट के रूप में मतलब एज ए इन द फॉर्म ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है हमें फिलहाल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अलॉन्ग विद फोटो कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो वी गेट्स ऑक्सीजन। सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। प्लांट्स जो सोलर एनर्जी होती है वो किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है प्लांट्स में? किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? लीव्स के द्वारा नहीं है, लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल के द्वारा। अगर उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो सभी प्लांट्स में होती है ना, सब में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सभी तो सनलाइट नहीं स्टोर करेंगे। तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उसके वो सनलाइट को ट्रैप करता है। नाम पे पढ़ रहे थे हम लोग। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, वो प्राप्त उसकी प्राप्ति होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइजिंग बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द देयर सर्वाइवल। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है, उसको कौन यूटिलाइज करता है? लिविंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम आप, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके अपने जीवन अपना जीवन जिंदा रहते हैं। फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, दे आर सैप्रोट्रॉप्स। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, बहुत सारे बीजाणु ऐसे होते हैं जो कि कहां से अंकुरित होते हैं, तो डेड या डिकेइंग मटेरियल, मृत या सड़े गले हुए पदार्थ से अंकुरित होते हैं, क्योंकि ये एयर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं और जब ये किसी नमी या उष्ण वाली पदार्थ जगह में रखे हुए किसी पदार्थ पर ये लैंड करते हैं तो इनका अंकुरण होता है, तो ये अंकुरित होकर के अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। मिनी फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डिके, हाँ ये तो हो गया। अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द हेटरोट्रॉप्स। कई सारे प्लांट्स या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और इनको क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप। तो इतना समझ में आया बेटा? यस सर। तो वही सारी बातें हुई जो तीन चार दिन हम लोग लगातार पढ़ रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। Yes, sir. उनके आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता क्यों होती है? ये ऑलरेडी अभी यहाँ पे भी बताया गया, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। ये फूड की क्यों आवश्यकता है? एंड यूटिलाइज इट
टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी. फूड की आवश्यकता क्यों होती है? टू गेट एनर्जी फॉर द फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी. ठीक है, नेक्स्ट क्या? डिस्टिंग्विश. डिस्टिंग्विश मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है? आकृति आप ही बताइए. तुरंत बोलिए बेटा. महिमा क्या होता है? डिफरेंशिएट. गोल्डन. वेल सेड. डिस्टिंग्विश या तो बोले या तो डिफरेंशिएट बोले, बात एक ही है. डिफरेंशिएट बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए स्पैरोट्रॉफ. नो, स्पैरो बोलो, सॉरी, सैप्रोट्रॉफ. कई बार मैंने स्पैरो बोल दिया क्या? सैप्रोट्रॉफ. तो पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ में के बीच में अंतर बताना है. तो पैरासाइट किसे कहते हैं, सैप्रोट्रॉफ किसे कहते हैं, ये तो पता है. पैरासाइट उसे कहते हैं जो अपने ही होस्ट पर क्लाइम करके अपना भोजन उस प्लांट्स के द्वारा जो बनाया हुआ भोजन स्वयं खा जाते हैं. सैप्रोट्रॉफ किसे कहते हैं, जो अपना भोजन सड़े गले हुए पदार्थ पे लैंड करके अंकुरित होकर के सड़े गले हुए पदार्थों से बने से निर्मित जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको प्राप्त करते हैं, अपना अपना ही भोजन प्राप्त करते हैं. तो दोनों को डेफिनेशन लिख देंगे अंतर पता चल जाएगा ना. तो बेटा क्या इसको आप लिख भी पाएंगे? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, नोट्स तो आपने आपने बना लिया है ना. नोट्स में वाई डू ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म टेक फूड इसको नहीं लिखा होगा तो इसको आप लिख लीजिएगा. ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स के बारे में नोट्स में लिखाया गया है. क्या पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप्स के बारे में लिखाया गया है? श्रेया, मुस्कान, सर अभी नोट नहीं आया है. अच्छा, नोट अभी गया ही नहीं है? यस सर. अरे वाह, नोट तो बन गया लेकिन फिलहाल शायद नोट बन चुका है लेकिन आप तक पहुंचा नहीं, ऐसे कैसे? चलिए ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा और अब ये सारी चीजें जो बच रही है मैं उसको अपडेट भी कर दूंगा. yes, उसको मैं अपडेट भी कर दूंगा. ठीक है, हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? अब ये क्वेश्चन आता है कि आप स्टार्च स्टार्च मतलब क्या होता है, स्टार्च क्या है, कुछ बकुल बताएगा? मुस्कान या अभिषेक आप बताइए, ये स्टार्च क्या होता है? उसका नाम आप तो बुक ले चुकी है ना बेटा, आप बताइए स्टार्च क्या है? यस सर. हाँ बताइए. तो ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे थोड़ो प्रेजेंट होते हैं, ऐसे पता चलेगा कि लीव्स में स्टार्च है या नहीं? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो स्टार्च तो नहीं होगा ना. होता क्या है, जो भी फूड फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन व्हाटएवर द इन द फॉर्म ऑफ फूड जो प्रोड्यूस होता है ना वो स्टार्च के रूप में होता है. अगर हमें किसी लीव्स में ये पता करना है कि ये क्या उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं तो हम उसमें ये चेक करें कि क्या उसमें स्टार्च उपलब्ध है. अगर स्टार्च उपलब्ध है तो दैट मीन्स कि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है. अगर स्टार्च नहीं है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है. तो हम ये कैसे पता करेंगे कि लीव्स में स्टार्च उपलब्ध है या नहीं? आयोडीन टेस्ट बोला गया था, यानी इसमें होता क्या बेटा, आप दो पत्तियां मान लीजिए, दो अलग अलग गमले लिए, उसको फिलहाल एक गमला दो तीन दिनों चार दिन के लिए कहीं डार्क या जहां पे धूप ना पहुंचती हो सनलाइट पहुंचती हो वहां पे आपने रख दिया. इसके बाद क्या करते हैं, उन दोनों एक पत्ती उसमें में से एक पत्ती आप जो सनलाइट में रखें उसका उसमें से निकालिए और फिर उस पर आयोडीन टेस्ट किया जाता है. आयोडीन टेस्ट कैसे किया जाता है, मैंने बोला था इसका वीडियो बना के मैं आप लोग को भेजूंगा. फिलहाल इसका वीडियो मैं बना के आप लोग को अलग से एक वीडियो भेज दूंगा. इसमें होता क्या, उस लीव्स को तो सबसे पहले अल्कोहल में पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर जिसको उसको मतलब डिसकलर किया जाता है, उसके कलर को खत्म किया जाता है. तो जब उसको बॉयल करते हैं अल्कोहल में, मतलब आप जाकर के, तो फिर उसका कलर जब खत्म होता है तो उसके ऊपर जब आप बाद में जो लीव से बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर अगर आप क्लोरोफिल एक सब मिला के क्लोरोफिल बोलो आयोडीन सोल्यूशन होता है तो आयोडीन मार्केट में मिलेगा, वो आयोडीन नहीं नमक सीरा, आयोडीन सोल्यूशन. उसके ऊपर अगर आयोडीन सोल्यूशन के जब ड्रॉप्स डालेंगे तो ब्लू या ब्लैक कलर में उसका कलर बदल जाएगा लीव्स का.
अगर ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है लीव्स का कलर, तो दैट मीन्स कि देयर इज स्टार्च. अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें स्टार्च नहीं है. चाहे पोटैटो हो चाहे लीव्स हो, अगर कोई भी आपका फूड है अगर उसमें स्टार्च है तो वो ब्लैक या ब्लू कलर में ही चेंज हो जाएगा. तो अभी एक वीडियो मैं आपको बना के भेजूंगा, फिर कभी स्कूल खुलता है तो आप कभी चाहे पोटैटो में स्टार्च. आपके क्लासेस के बुक में कई सारे हैं, पता नहीं मैम ने कराया था या नहीं कराया था, मुझे नहीं ध्यान है. तो आयोडीन टेस्ट कई सारे फूड आइटम पे भी किए जा सकते हैं. ठीक है. शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. अब आपको ये शो करना है फोटोसिंथेसिस. क्या हुआ बेटा? Suppose question. अच्छा, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. अब इसमें क्या लिखना है आपको? Give a brief description. आपको brief में यानी मतलब थोड़ा सा ज्यादा शब्दों में मतलब डिटेल में समझाना है क्या? The process of synthesis. खाना बनाने की प्रक्रिया को समझाना है. Of food in green plants. Green plants में खाना बनाने के प्रोसेस को समझाना है. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है. यानी कि किसके बारे में पूछ रहा है ये? किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस पे क्या होता है आप इसको लिख सकते हैं. अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं. यस सर. तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट. ये कॉम्पोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है. ये कॉम्पोनेंट मान लीजिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की जरूरत होती है. दीज आर फोर कॉम्पोनेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. Water is absorbed by the root of the plant. Carbon dioxide is carbon dioxide through the stomata, and chlorophyll is already present in the green plant. Or the work of the green, green pigment like chlorophyll is shall they trap the solar energy. तो ये सारे प्रोसेस आप कर सकते हैं कि कैसे कैसे प्राप्त होता है. और लास्ट में आपको वो इक्वेशन लिख देना कि इन सारी चीजों को जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ये हमें ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्राप्त होता है. और इस तरीके से ये इक्वेशन हो जाता है. तो ये ऐसे आंसर लिख सकेंगे कि नहीं बेटा? सेशन विद इन 30 सेकंड खत्म होने वाला है. आप लोग को दोबारा रिज्वाइन करना है. ठीक है, ये सेशन में ये कम्प्लीट करूंगा ये चैप्टर आज. तो फोटोसिंथेसिस आप लोगों को समझ में आ गया क्या लिखना है इसमें? कैसे लिखेंगे? ऑलरेडी मैं नोट्स बना के दे दूंगा. इसका क्वेश्चन उसमें रहेगा. अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस नोट्स में से ले लीजिएगा. क्वेश्चन आंसर अलग से नहीं लिखना है. मैं नोट्स बना के दूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन के सारे आंसर होंगे. कहीं ना कहीं जो आंसर आपको लगेगा कि नोट्स में नहीं है तो वो आंसर आप अलग से लिख लीजिएगा. ओके.